फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं किंग और एमिवे की बीफ के बारे में। तो किंग ने अपनी एल्बम के एफर्ट दे से ट्रैक में एमिवे को डिस किया था, तो अभी एमिवे ने भी किंग के लिए अपना डिस ट्रैक अनाउंस कर दिया है। एमिवे ने अपने ट्रैक का कुछ ऐसा पोस्टर रिवील किया है एंड एमिवे का अपनी पोस्ट के कैप्शन में कहना है #FlushWordDay से। तो एमिवे के डिस ट्रैक अनाउंस करने पर किंग ने थ्रेड्स पे एक पोस्ट किया है। किंग का कहना है कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तो इस पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर करते हुए किंग का कहना है ईगो किल्स एंड एमिवे ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में जो हैशटैग यूज किया है उस पर किंग ने रिएक्ट किया। किंग ने एक रील शेयर किया जिसके कैप्शन में किंग का कहना है #FwordDay से ईट दैट पिल एंड फ्लश एनीवे स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड ऑफ वन वर्सेस ऑल आई गॉट टू से गिव सम रियल आर्ट दैट पीपल कैन डैश विद इन अ लॉन्ग वे ट्राइंग टू स्टे रेलिवेंट विद नॉनसेंस एवरी टाइम नेवर गोना गिव यू अ ब्राइटर डे। इसके अलावा किंग ने एमिवे के लिए एक और स्टोरी लगाई है। तो बेसिकली किंग की मोनोपोली मूव्स एल्बम स्पॉटिफाई की टॉप एल्बम्स डेब्यू ग्लोबल चार्ट्स पे 6 नंबर पर ट्रेंड कर रही है, जिसको शेयर करते हुए किंग का कहना है गुड न्यूज फॉर ऑल द ट्रू लिसनर्स ऑफ हिप हॉप दिस इज द लेवल व्हेन आई डू हिप हॉप रीच हियर समडे इन लाइफ आई माइट काउंट यू सम एनीवे। तो किंग को रिप्लाई करते हुए एमिवे ने भी कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है। तो एमिवे की मालूम है ना एल्बम एप्पल म्यूजिक पे 3rd नंबर पर ट्रेंड कर रही है, तो इस पर एमिवे का कहना है आजू बाजू कौन है देख राजू #independently #बिना पैसे लगाए #FlushWordDay से। तो अब बात कर लेते हैं रामिस के बारे में। तो रामिस ने 4 ट्रैक्स लिख लिए हैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे आर्टिस्टों के लिए। रामिस का कहना है 4 गाने लिख डाले इस वीकेंड पे नॉट फॉर माई सेल्फ फॉर अदर आर्टिस्ट। तो अब बात कर लेते हैं चैनके के बारे में। तो चैनके का नबील अकबर के बारे में कहना है नबील अकबर से पूछो कौन तला एंड चैनके ने तला अंजुम को टैग भी किया है। इसके अलावा चैनके ने तला अंजुम को ट्रोल करते हुए कुछ ऐसी वीडियो शेयर की है। आओ तुम लोगों को एक चीज दिखाओ ठीक है। अब ये देखो ये बंदा डिस में कह रहा था सब नेजी को गाली दो ठीक है। ये देखो ये ठीक है क्या हो रहा है इसके साथ ठीक है। ये देखो ये ठीक है और मैं बता रहा हूँ ना मैं बार बार बोल रहा भी देखना है नेजी से। चैनके का तला अंजुम और नेजी की बीफ के बारे में बात करते हुए कहना है कि नेजी तला अंजुम से ज्यादा बेहतर है एंड चैनके का कहना है कि तला अंजुम ने अपने गाने में जिन लोगों को बोला है कि उसे पूछो कौन तला और उसे भी पूछो कौन तला और फिर इन्हीं आर्टिस्टों से पूछो कि कौन नेजी वो बताएंगी आपको कौन नेजी और लिरिकली किधर है नेजी। जो भी कट्टर हिप हॉप लिसनर्स है ना जो राइम स्कीम्स देखते हैं फ्लोस देखते हैं थ्रो होती है ना वर्ड की भी वाइब्स होती है वाइब देना फ्लो को। जो कट्टर हिप हॉप लिसनर्स है ना उनको ये पता है कि नेजी अंजुम से बहुत ऊपर है। बेवकूफ है वो इंसान जो कह रहा है कि अंजुम नेजी से बेहतर है। बेवकूफ है वो इंसान। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अंजुम की मेरी मैंने कब कितनी बार कहा कि अंजुम बुरा राइटर नहीं है ठीक है सही है लेकिन नेजी कंपैरेटिवली बस सही है। बेवकूफ कह रहा है पूछो इससे पूछो कौन दला उससे पूछो कौन दला। तुम अंजुम को कह रहा हूं ये बात तुम जाके पूछो उन सारी जो तुमने लिस्ट बनाई थी ना कि कौन दला उससे पूछो नेजी कौन है वो तुम लोगों को बता देंगे कि लिरिकली नेजी किधर और कौन है ठीक है। एक एक वर्ड उस बंदे का राइम कर रहा होता है टाइम देके करेगा ना डिस ये पुंगी खत्म खलास। अब लोग पता है क्या होगा अभी अंजुम की पूरी मार्केटिंग टीम पीआर टीम कह रही होगी सॉरी बोलो नेजी को और ये बोल भी देगा ये अपनी जबान के है ही नहीं। एंड चैनके का एमिवे के बारे में कहना है कि एमिवे ने लाइव के दौरान मुझे स्पोर्ट शो की थी एंड चैनके का MC Stan के बारे में कुछ ऐसा कहना है। एमिवे जब सारे रैपर्स ने चढ़ाई की थी एमिवे ने दिल से मुझे लाइव में सपोर्ट शो की थी अपनी ठीक है। मैं एक्टिंग कर लेता मैं आंखें बंद कर लेता नहीं यार जो बादशाह के खिलाफ जिस बारे में मैं हूँ या हनी सिंह के बारे में हूँ एक दो गानों में एमिवे ने बिकिनी में दिखाई है ना लड़कियां जो मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम बात है ठीक है। एमिवे भी ये समझ लेगा बात अगर जरा थोड़ा सा ईगो सारी मैन ईगो साइड में करता मर्दों की तरह कॉन्शियसली डिस्कशन करो वरना एमिवे और MC Stan मेरे दिल में जब भी इनको देखता हूँ प्यार आता है मुझे। दैट्स इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।